तो प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे डीओई की तरफ से प्रोवाइड किए गए मिशन मैथमेटिक्स क्लास 10 के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे की वर्कशीट को, जो कि 9/8/2023 डेट के लिए है। इससे पहले कि सभी वर्कशीट और असेसमेंट का सॉल्यूशन अपलोड है दोनों मीडियम में, अगर आपने नहीं देखा तो कमेंट में लिंक मिल जाएगी, ओपन करके देख सकते हो। और आज की डेट की असेसमेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना मिड टर्म एग्ज़ाम के लिए। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखो। क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -4 -5 फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इन विच क्वाड्रेंट डज दिस पॉइंट लाई। बिंदु -4 -5 की एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष से दूरी ज्ञात कीजिए, यह बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है। तो पहले x और y अक्ष से दूरी निकालना है, फिर किस चतुर्थांश में है पता करना है। सॉल्यूशन देखो ध्यान से। तो आंसर देखो, सबसे पहले आप एक्सप्लेन देख लो, उसके बाद में शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, ठीक है। ये क्वेश्चन में दिया है, तो इसमें -4x हो गया और -5y हो गया। x जो होता है उसे हम भुज बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में एब्सिसा। y को कोटि बोलते हैं इंग्लिश में ऑर्डिनेट। ये चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है, समझने के लिए लिख दिया गया, क्योंकि काफ़ी बार क्वेश्चन घुमा घुमा कर भी पूछ लेते हैं इस प्रकार। तो हिंदी में लिखोगे, बिंदु से एक्स अक्ष की दूरी बिंदु की कोटि का धनात्मक मान होता है। कोटि का धनात्मक मान इंग्लिश में लिखोगे, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस इज द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ऑर्डिनेट, ध्यान रखना। तो एक्स के लिए आपको ऑर्डिनेट यानी कि कोटि देखना है। कोटि क्या है आपका? -5, लेकिन पॉजिटिव, माइनस के साथ नहीं, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव में 5 लेना है। तो एक्स अक्ष से दूरी यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस 5 यूनिट यानी इकाई प्लस का आ जाएगा, ठीक है, ये दूरी निकल गई, समझ गए। अब शॉर्ट में चाहो तो आप डायरेक्ट एक्स के लिए वाई वाला नंबर प्लस का लिख सकते हो और वाई के लिए एक्स वाला नंबर प्लस का लिख सकते हो। लेकिन अगर आप अभी ऐसे लिख लोगे एक्सप्लेन के साथ, तो जब भी आप रिविज़न करोगे तो दिमाग में रहेगा कि आंसर कहाँ से आया था, कभी भी भूलोगे नहीं, ठीक है। अब आगे देखो ध्यान से, फिर हिंदी मीडियम में लिखोगे, बिंदु से वाई अक्ष की दूरी बिंदु के भुज का धनात्मक मान होता है। इंग्लिश में डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस इज द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एब्सिसा ऑफ द पॉइंट, यानी वाई के लिए भुज आंसर होगा आपका, लेकिन पॉजिटिव में होना चाहिए एब्सिसा, ये चीज़ ध्यान में आपको रखना है। तो वाई के लिए आपका एक्स वाला नंबर आंसर होगा, -4 है तो प्लस करेगा, ठीक है ना, +4 आ जाएगा, समझ गए। तो यहाँ पर लिखोगे वाई अक्ष से दूरी यानी डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस 4 यूनिट आ जाएगा, यानी कि इकाई, समझ गए। तो डायरेक्ट आप चाहो शॉर्ट में, तो एक्स के लिए वाई वाला नंबर आंसर होगा, वाई के लिए एक्स वाला होगा, लेकिन एक्सप्लेन के साथ लिखो ताकि कभी भी दिक्कत ना हो, रिविज़न करने में पता चल जाए, ठीक है। अपने मीडियम का ध्यान देते हुए अपने मीडियम में आंसर लिख लेना। आगे देखो, और क्वेश्चन में कह रहा है कि किस चतुर्थांश में है। तो देखो ध्यान से, चतुर्थांश टोटल 4 होते हैं, फर्स्ट इसमें दोनों प्लस, सेकंड माइनस प्लस, थर्ड में माइनस माइनस, फोर्थ में प्लस माइनस। तो नंबर है -4 -5, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, दोनों माइनस माइनस का है। तो माइनस माइनस किस में मिल रहा है आपको? थर्ड में। तो आंसर लिखोगे हिंदी में, यह थर्ड चतुर्थांश में है, इंग्लिश में इट इज़ इन थर्ड क्वाड्रेंट, समझ गए। तो दोनों आंसर हो गए, एक्स और वाई अक्ष से दूरी भी हो गई और चतुर्थांश भी पता चल गया, समझ में आया, इतना ही हमको बताना था। इसी के साथ ये वर्कशीट कंप्लीट है, कहीं पर भी कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।